इवनिंग, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्रेंड्स सानवी ब्लॉग में। तो अभी बाहर आई हूँ फ्रेंड्स और शाम का टाइम हो रहा है तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही है अभी, आप देख सकते हैं, और मतलब सांस नहीं ली जा रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बैक कैमरे से कि पहाड़ों में शायद बारिश हो रही है, इस वजह से इतना ठंडा मौसम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ठंडा भी लग रहा है क्योंकि दो चार दिन से मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से बैक कैमरे का, और हवा देखिए इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, चलिए बने रही हमारे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फसल भी हो गई है तैयार, रेडी रेडी हो चुकी है। तो अभी तो शायद अच्छे से फसल पकी नहीं है, धान की है, बालियाँ आ गई हैं और व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब अच्छा लगता है ना व्यू तो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ। और ऐसा लग रहा है अभी कि बारिश हो रही है, नेपाल साइड में भी पूरा बंद है, वहाँ तो दिख ही नहीं रहे पहाड़। और इस साइड अभी ये हमारे चंपावत की साइड, चंपावत साइड है हमारी, तो यहाँ पे भी काले हो रहे हैं पूरे बादल, पर देख सकते हैं आप ये देखिए। तो इसलिए ठंडी हवा चल रही है, और हवा क्या चल रही है आप धानों को देखिए हिलते हुए। थोड़ा जूम करती हूँ मैं, शायद दिख भी रहे होंगे, ये देखिए कितने अच्छे से लहलहा रहे हैं सारे धान, ये देखिए। चारों तरफ है हरियाली हरियाली, पहाड़ों के आम और लीची के पेड़ है सामने। तो अब गर्मियों में आएंगे इसमें आम की बौरें शुरू हो जाएंगी, आना लीची आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पास में ही तो हम लोग खूब ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लीची और आम खा लेते हैं इसी बहाने, क्योंकि यहाँ पे प्योर मिल जाता है, वरना दवाई वगैरह डली रहती हैं। और पीछे की साइड जो आपको दिख रहे हैं ना पेड़, सब आम के हैं, वो है पीपल का। होली के टाइम में वहाँ होली होगी। देखिए इस साइड के पहाड़ भी दिखाती हूँ मैं आपको, और अभी मैं आगे का एरिया दिखाती हूँ वहाँ जंगल का, कितना बाहर का देखने में, यहाँ तो आपको ग्रीनरी दिख रही होगी ना, वहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रॉक खा रहा है खाना, तो दो टाइम खाता है, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैंने आपको सारी ग्रीनरी दिखाई, और यहाँ पे जंगल भी हरे भरे रहते हैं, बट इस टाइम क्या है ना हवा चल रही है, तो बीच में जब दो तीन दिन काफ़ी गर्म हुआ तो पतझड़ भी स्टार्ट हो रही थी, तो सारे पत्ते जो थे पेड़ों से गिर गए और काफ़ी जंगल जो है एकदम वीरान सा हो गया है। तो इस टाइम इतना ठंडा मौसम हो रहा था, और ये देखिए पेड़ों को कितने तेज़ी से हिल रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है क्योंकि इस टाइम पहाड़ों में गिर गई थी बर्फ़, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था यहाँ पे। तो अभी यहाँ देखिए दादी और बुआ जी बैठे हुए हैं, और हवा देखिए, हवा को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितना ठंडा मौसम हो रहा है। ये अंधेरे में बैठ के पढ़ाई हो रही है, ना मैडम दिखाई दे रही ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लाइट जला लो। तो फ्रेंड्स आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे निकाल लिए गाजर, और हम इसको साफ करते हैं अभी, गाजर क्लीन करते हैं, और आज बनाएंगे गाजर का हलवा। और यहाँ पे देखिए नवड़ा मटका रखा है, इसमें रखा है मैंने मक्खन बनाने के लिए, ये मलाई है सारी। तो अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं क्योंकि मशीन रखी है ऊपर, तो जब वो आएंगे तब निकालेंगे और वही बनाएंगे। तो तब तक हम कर लेते हैं गाजर क्लीन, और बॉईल करके बनाऊंगी मैं, कद्दूकस करके नहीं बनाती हूँ। तो फटाफट से चलिए गाजर को छिल लेते हैं, धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, और फिर हलवा बनाते हैं और एक तरफ सब्जी। तो करते हैं फटाफट से काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गाजर को अच्छे से छील लिया है, वॉश कर लिया है, और अब इसके कर रहे हैं हम पीसेस। और कुकर में हल्का सा घी डाल के मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और बाकी बची हुई भी हम कट कर लेते हैं और बॉयल कर लेते हैं फटाफट से। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मटर और आलू छील करके धो करके उबालने के लिए रख दिए हैं, इधर बनाएंगे हम आलू मटर की सब्ज़ी। तो पहले बॉईल कर लेंगे फिर करूँगी फ्राई, तो बहुत अच्छी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा ऐसे भी। और ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये मशीन है, तो हस्बैंड जी आ चुके थे और उन्होंने मशीन निकाल दी थी, और इस मशीन से हम बनाएँगे मठा। तो फटाफट से मलाई को फेंट लेते हैं, घी बनाएँगे उसके बाद, और बाकी बचा हुआ मठे का यूज़ करेंगे, तो मठा भी काम आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने मशीन फिट कर दी है, तो अभी आप देखिए इसमें ऑन ऑफ के दोनों बटन लगे हुए हैं, तो ये एंटी क्लॉक वाइज भी चलती है, तो दोनों बटन हैं इसमें, आप एंटी क्लॉक वाइज भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए मक्खन बनाते हैं फटाफट से, और आज मक्खन का भोग लगेगा कान्हा जी को। तो यहीं पे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, और उनके सामने बन रहा है यहाँ पे मलाई से मक्खन।
क्योंकि मक्खन जो है कान्हा जी को बहुत प्रिय है, इसलिए कान्हा जी को आगे रखी हुई है कटोरी, उनमें भी जल दिया हुआ है उन्हें पानी। तो जब मक्खन रेडी हो जाएगा तो मक्खन का भोग भी लगाएंगे कान्हा जी को। तो बस आप सब बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ और मिलते हैं थोड़ी देर में। मशीन हो गई स्टार्ट, यहाँ पे लाइट जला रही है, इसमें ऑन ऑफ के बटन इसी में है और साउंड आ रही है, आप देखिए अभी भी वाइब्रेट कर रही है ये, और ये एंटी क्लॉक वाइज भी घूमती है ऑन ऑफ करके। तो आराम से फ्रीली आप लगा दीजिए और मक्खन तुरंत बन के रेडी हो जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है हमारा गाजर का हलवा। तो दूध वगैरह हमने डाल दिया है इसमें, दूध पकता है तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे खोया और चीनी। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें धनिया से गार्निश कर दिया है। और धनिया डालने के बाद भी अभी मैं इसे 2-3 मिनट और बॉईल करूँगी ताकि जो धनिया की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बेटे को ना धनिया वाली सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है। तो अगर बॉईल कर देती तो उससे धनिया की खुशबू मर जाती है और फिर वो खा लेता है, उसे फिर पता नहीं चलता है कि इसमें धनिया अभी डाला गया है। तो इधर सब्जी भी रेडी हो रही है और बाहर मशीन लगी हुई है, तो वहाँ पे मक्खन बन रहा है अपना, क्योंकि वो भी जिसमें चेक करते रहो एंटी क्लॉक वाइज बटन आप ऑन ऑफ करते रहो तो वो दोनों साइड घूमता रहता है और बहुत जल्दी मक्खन बन के हो जाता है तैयार। तो मक्खन तैयार होता है तब तक हमारा यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया, फिर बनाएंगे रोटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है मक्खन का काम भी, तो मक्खन हो गया रेडी बन के तैयार, ये देखिए। और यहाँ पे बुआ जी मक्खन निकाल रही हैं। तो जब सारा मक्खन निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा मक्खन में पानी डाल के थोड़ा सा धो लेंगे, क्योंकि जो इसमें मठा रह जाता है ना वो पकने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको धो के निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ मठा होता है वो निकल जाता है और मक्खन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, मतलब घी। तो उसको करते हैं वॉश और फिर रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बन के भी तैयार हो चुका है घी। तो वॉश करने के बाद पकाने की मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, तो यहाँ पे देखिए घी रेडी हो चुका है और बीच में मैंने हिलाया नहीं था तो थोड़ा लग भी चुका है, लेकिन जला नहीं, जो इसका बचा हुआ मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल वो हल्का सा जल चुका है। तो अभी हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स छान लिया है हमने घी, और जो इसका मटेरियल बचता है ना वो अभी तो जल चुका है, लेकिन उसकी मिठाई भी बनती है, बहुत टेस्टी मिठाई बनती है, कभी हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो घी बनने के बाद कढ़ाई के हाल हुए हैं वो इस तरीके से हो गए हैं, तो नीचे का जो मटेरियल था वो जल चुका है तो वो धो के हो जाएगा वॉश। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कर रहे हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप सभी से अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।